बच्चों आज हम देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी में आज से लेके ए तक मात्राओं का रिवीजन। अभी तक हमने जितनी मात्राएं सीखी है उनको कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, आज हम वो देखेंगे। और आपके बुक में आप सबने बुक्स ले ली है तो हम बुक में भी काम करेंगे। और सभी बुक्स में मैं आपको पीडीएफ जब दे रही हूँ तो आप अपने बुक्स में वो सब फिलअप करना है, बुक में अपने पेंसिल से आपको वो लिख लेना है, ठीक है। आज हम देखते हैं आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसी लगती है, ये क्या है आ, तो आ की मात्रा कैसी लगती है, सिर, ये एक डंडा। आ के बाद क्या आता है, ई, ई, ऊ, फिर हमने ऋषि की नहीं ली है, ए, ए। तो छोटी ई की मात्रा कहां से लगेगी, आगे से एक ऐसी और फिर ये छोटी ई की मात्रा, फिर ये डंडा खींचा, ये इधर से ये बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा यहां से, बड़ी ऊ की मात्रा यहां से, और ए, ए में एक मात्रा आती है वो ऊपर से, और ए में दो मात्रा एक साथ आती है। आया समझ में। अब आ की मात्रा को हम कैसा लिखते हैं, हमको क से लेके ज्ञानी तक सब लोगों को बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, अक्षर का ज्ञान हो जाना चाहिए। अगर आपको किसी भी वर्णमाला में कहीं पर भी उंगली रखी तो आपको वो पता चलना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए कि ये क है कि न है कि ब है कि र है, आपको वो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब ये देखो ये क्या है, क, क में आ की मात्रा का, ग, ज, कैसा पढ़ेंगे हम एक साथ, का, ग, ज, फिर क में मात्रा लगी है, मात्रा यहां पर लगी है, फिर हम लिखेंगे क्या है ये, की, ता, ब। अब इसमें कौन कौन सी मात्राएं हैं, इसमें आ की मात्राएं हैं, इसमें छोटी ई की मात्रा, आ की मात्रा और ब, किताब, और फिर हम फिर देखेंगे बड़ी की मात्रा का, ये क्या है, ह, ह में आ की मात्रा हा, थ, थ में बड़ी की मात्रा हा, थी, क्या है हा, थी, म, छ, ली, आया समझ में, म, छ, ली, अब उ, अब ये देखो ग, ग में उ की मात्रा गु, ल, ल में आ की मात्रा ला, ब, क्या शब्द तैयार हो गया, गुलाब, फिर और देखो ग, ग में उ की मात्रा गु, छोटी उ की मात्रा और क्या है आ की मात्रा, यहां पर तीन मात्रा आ गई है, उ की, छोटी ई की और आ की, गुड़ी या, फिर ये क्या है बड़े उ की मात्रा, तो वो कैसे लिखेंगे हम, झ, झ में बड़े उ की मात्रा झू, ला, आया समझ में, मात्रा बराबर अक्षर के इस वाले लाइन के नीचे आना चाहिए। फिर हम और देखेंगे क, क में ए की मात्रा के,
ल ल में आ की मात्रा के ला के ला फिर में ला मेला अब ये है की मात्रा प प में ऐ की मात्रा और र पैर क्या बोलते हैं इसको पैर हम लिखते समय ध्यान रखना है कहां पर दो मात्रा हमको लिखनी है पैर ये सही है क्या कौन सा पैर ये पैर और ये पैर है कौन सा सही है ये सही है और ये गलत है हम जो बोलते हैं वैसा नहीं लिखना है लिखते समय हमको ध्यान रखना है पैर पैसा ठीक है इस प्रकार आपको मात्राओं का एक आ से लेके ए तक का मात्राओं का आज हमने क्या देखा है रिवीजन देखा है और मैं आपको आपके बुक में से सभी जो अभी तक सिखाया गया है वो सॉल्व करके दूंगी आपको वो अपने बुक में पूरा पूरा उतार लेना है